हे गाइस, हमने एक नया यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसका नाम है ऑफिशियल डब ट्रेलर्स, जहां पर आप सभी लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल डब्ड ट्रेलर्स यानी के हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में एंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, बेसिकली यही मूवी की स्टोरी है। सरप्राइज राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एस्ट्राइक एके द बॉम्बिंग एके बिग बॉम्बिंग एके द होंगजा एक चाइनीज एक्शन वॉर ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है शाओ फेंग ने, जिनकी ये पहली मूवी है एज अ डायरेक्टर। और ये मूवी देखने के बाद में पता चल ही जाता है कि ये इनकी पहली मूवी है। कहानी सेट है 1937 में, जहां पर जापान चाइना के एक शहर चॉन्गकिंग पर बमबारी कर रहे हैं प्लेन से। क्यों ये इस मूवी में नहीं बताया गया, बट कोई एक ऐसा डिकोडर है जो कि इंग्लैंड से आया है, जो कि इस शहर में किसी भी हालत में डिलीवर करना है। अगेन ये डिकोडर काफी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये जंग का रुख बदल सकता है, क्योंकि चाइनीज जापान से लड़ते लड़ते ऑलमोस्ट हारने की कगार पे है। अब ऐसा क्या है इस डिकोडर में या क्या चीज है, ये पूरी मूवी में कहीं पर भी नहीं बताया गया, मगर जापानीज प्लेन पूरे चॉन्गकिंग शहर में बमबारी कर रहे हैं ताकि ये डिकोडर वहां तक ना पहुंचे किसी भी हाल में। इतना ही नहीं, इनका कोई ऐसा शख्स भी है चॉन्गकिंग शहर में जो कि इन सब चाइनीज लोगों के बीच चुप कर इस डिकोडर को किसी भी हाल में चॉन्गकिंग शहर तक नहीं पहुंचने देना चाहता। बेसिकली यही स्टोरी है मूवी की, और इसे काफी सारे विजुअल इफेक्ट्स, बमबारी और ढेर सारे स्टोरीज के बीच स्विच करके बताया गया है। तो क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मूवी ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हुई 2 नवंबर 2018 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में एंड ओनली इन 2D फॉर्मेट। मूवी चालू होती है वहां पर जहां पर जापान ऑलरेडी चाइना के इस शहर शॉकिंग में ऑलरेडी बमबारी कर रही है। इसी बीच ज्यू गैंगटो, जिसका किरदार निभाया है ज्यू ली ने, इन पर ये जिम्मेदारी आती है कि ये इंग्लैंड से आया एक ऐसा डिकोडर शॉकिंग शहर तक सेफली पहुंचाए, क्योंकि जापानीज किसी भी हाल में नहीं चाहते कि ये डिकोडर शॉकिंग शहर तक पहुंचे। यहाँ से ट्रिप चालू होती है जहाँ पर गांगटाओ अपने पूरे ट्रिप में काफी बमबारी और मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसी बीच काफी लोगों से मिलते भी हैं और रास्ते में उनको एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। वहीं पर दूसरी ओर जैक, जिनका किरदार निभाया है ब्रूस विलिस ने, जो कि चाइनीज एयरफोर्स के कमांडर है, वो एक छोटे से स्क्वाड्रन को इन जापानीज प्लेन से लड़ना सिखा रहे हैं ताकि ये लोग चाइना को इन जापानीज प्लेन से बचा सके। इन सब के बीच में और भी छोटी छोटी स्टोरीज मिक्स की गई हैं, और मेरे ख्याल से वो सब इसीलिए क्योंकि मूवी में कुछ भी बहाना डालकर बस बमबारी डालना था। आई मीन सिंपली कहूँ तो ये मूवी 80% बमबारी के सीन से भरी पड़ी हुई है, एंड ऐसा नहीं है कि सेंसेबल बमबारी दी गई हो। आई मीन लाइक आउट ऑफ नो वेयर बमबारी डाल दिया गया है। आई मीन ये लोग खाना खा रहे हैं तो बमबारी चालू हो जाती है, ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो बमबारी चालू हो जाती है, बात कर रहे हैं तो बमबारी चालू हो जाती है। जस्ट टू मच ऑफ बमबारी से भी हमारा दिमाग खराब होने लगता है। फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि मैं बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी की कोई मूवी देख रहा हूँ। जिस तरीके से रोहित शेट्टी किसी भी गाड़ी को अपने किसी भी मूवी में बस उड़ाते ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये डायरेक्टर भी बस बमबारी डालना चाहता है अपने मूवी के हर हर 40 या हर 30 सेकंड में। अगेन एडिटिंग इस मूवी की काफी वीक थी। आई मीन आप एक सीन देख रहे हैं, फिर अचानक से वो सीन कट जाता है और कोई और सीन चालू हो जाता है। और इतना ही नहीं, इस इरिटेटिंग सीन को जो स्विच करते हैं वो लोग, इरिटेट तो कर ही रहा था, बट उस सीन को स्विच करने के पहले एक बमबारी डाल दी है। आई मीन लाइक ये स्टोरी चल रही है तो इस पे अचानक स्विच कर देते हैं विदाउट एनी रीजन, और बीच में एक बमबारी डाल दिया गया है। पूरे मूवी में ऐसे ही है, मतलब सीन को स्विच करने से पहले एक बमबारी डाल दो, मतलब बमबारी डाल दिया तो आप ये समझ लीजिए कि सीन स्विच होने वाला है। विजुअल इफेक्ट्स पार्ट इस मूवी का एक ऐसा पार्ट है जो मुझे काफी डिसेंट लगा। आई मीन लाइक अगेन कहीं कहीं पर ऐसे सीन्स थे जो काफी इम्प्रेसिव थे विथ विजुअल इफेक्ट्स, बट अगेन कहीं कहीं पर ऐसे विजुअल इफेक्ट्स थे जो कि आपको क्लियरली मालूम पड़ रहे थे कि एनिमेटेड है। बट ओवरऑल अगर कहूँ तो विजुअल इफेक्ट्स यानी कि बमबारी के जो सीन्स वगैरह दिखाए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 40% जो सीन्स है वो काफी डिसेंट है। उस सीन्स के विजुअल इफेक्ट्स काफी डिसेंट है। एक्टिंग की बात करें तो ये एक चाइनीज मूवी है जो कि इंग्लिश में डब की गई है। आई मीन इन कैरेक्टर्स की एक्टिंग तो वीक थी, ऊपर से जो डबिंग की गई है उसके लिपसिंग मिल नहीं रहे थे, तो खराब एक्टिंग ऊपर से खराब लिपसिंग की वजह से आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो रहा था। उसके ऊपर से बमबारी के सीन्स आउट ऑफ नोवेयर, उसके ऊपर से एडिटिंग परफेक्ट नहीं थी, तो आपका मूवी का एक्सपीरियंस बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। सो ओवरऑल इंग्लिश डबिंग ऑफ दिस मूवी वॉज नॉट एट ऑल गुड। मूवी में बहुत सारे सीन्स है जो कि टोटली आउट ऑफ सेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है जहां पर एक कपल बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा है और लड़की कहती है कि मुझे ऐसा एक हंच है कि आप ये वायर काटो,
एंड लड़का कहता है ओके फाइन आई विल कट दिस. आई मीन लाइक रियली भाई साहब वो एक बॉम है, कोई गिफ्ट रैप नहीं है जो आप काट रहे हैं. अगेन दूसरी ओर मूवी में एक लड़का लड़की आपस में प्यार करने लगते हैं. आई मीन लाइक कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया उन दोनों के बीच में जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो सके. एंड आउट ऑफ नोवेयर उनके अंदर प्यार हो जाता है एंड दे स्टार्ट किसिंग एंड ऑल. इस मूवी में शॉकिंगली एड्रियन ब्रोडी भी है. शॉकिंगली इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से ये मूवी में आते हैं उसी तरीके से चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता. और मैं ये सोच रहा था कि क्यों इस बंदे को लिया गया. आई मीन लाइक आपने कोई सीन नहीं लिया इम्पोर्टेंट जो कि स्टोरी से लिंक दो, मूवी से लिंक दो. बस वो आते हैं, ही इज वरिड, बमबारी होती है अगेन. आई मीन लाइक बमबारी, हाउ कैन वी विच बमबारी इन दिस मूवी. सो बमबारी होती है एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. आई मीन लाइक व्हाई इवन टेक हिम इन द मूवी. पूरी मूवी में सिर्फ ब्रूस विलिस ही ठीक ठाक लग रहे थे उनकी एक्टिंग में. स्पेशल इफेक्ट्स एक हद तक आपका मूवी में इंटरेस्ट बना रही थी बट टू मच बॉम्बिंग सीन्स आपका दिमाग खराब भी कर रही थी. अदर देन दैट इस मूवी की एडिटिंग मोर देन इनफ बम्बई सीन्स. और एक घंटा 40 मिनट की मूवी जो कि हद से ज्यादा थी. आई मीन लाइक इसे एक घंटा 15 मिनट का होना चाहिए था, उससे ज्यादा नहीं. ऊपर से टॉप्ड अप विद कैरेक्टर्स की वेरी पुअर एक्टिंग और इंग्लिश की डबिंग इस पूरे मूवी का मजा किरकिरा कर देती है. इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ कि मैं लिटरली इंतजार कर रहा था कि ये मूवी कब खत्म होगी. और पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे ये मूवी हिंदी में देखनी चाहिए थी ना कि इंग्लिश में. ये मूवी काफी अच्छी हो सकती थी अगर इसको फैक्ट्स के साथ में प्रेजेंट किया जाता. जैसे कि ये इंसिडेंट बेसिकली एक शुरुआत थी वर्ल्ड वॉर टू की, जिसे सेकेंड सीनो जापानीज वॉर भी कहा जाता है. पूरे मूवी में ये नहीं बताया गया कि जापानीज क्यों बॉम्बिंग कर रहे थे, और ये भी बताया जा सकता था कि मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट से ये बॉम्बिंग चालू हुई थी. बट अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर ये सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जहाँ पर मूवी में आपका इंटरेस्ट टोटली खत्म हो जाता है. सो ओवरऑल एक घंटा 40 मिनट की ये मूवी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बमबारी के लिए देखना है तो जरूर आप इसे एंजॉय करेंगे. अदर देन दैट आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करेंगे. तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4.5 out of 10. तो ये था हमारा रिव्यू मूवी एयर स्ट्राइक का. आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं. जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले. अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे.